आपने लौकी की बहुत सारी रेसिपी खाई होगी, पर जो आज की रेसिपी है लौकी की वो एकदम अलग है। नमस्कार फ्रेंड, आगोमी फूड एंड ट्रेवल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट राम जायसवाल। आज मैं आपके लिए लौकी की एक न्यू रेसिपी ला रहा हूं, वो है लौकी का पकौड़ा, दूधी ना भजियो। तो चलिए दोस्त, बनाते हैं लौकी का पकौड़ा। क्या लौकी है जिसको मैंने छील कर गोल गोल पीसेस काट लिए हैं। ये करीब 150 ग्राम लौकी है जो कि दो व्यक्तियों के लिए सफिशियंट है। सबसे पहले बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं लौकी के पकौड़े बनाने के लिए। एक बाउल लेते हैं, इसमें एक कटोरी बेसन है, लगभग चम्मच से 6 चम्मच है। अब मिक्सर जार लेते हैं, जार में 4 लहसुन की कली है वो डालते हैं, 2 हरी मिर्च है, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, 1 चम्मच ये सौंफ का पाउडर है, वरियाली जिसे बोलते हैं उसका पाउडर है, सौंफ का पाउडर 1 चम्मच लेते हैं, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लेते हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेते हैं, 1/2 चम्मच जीरा लेते हैं, थोड़ा सा पानी लेंगे। अब इसका पेस्ट बना लेते हैं। अब इस पेस्ट को बेसन में डाल लेंगे, इस बैटर को मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी लेंगे ताकि बैटर स्मूथ हो जाए, घोल पतला हो जाए। अभी घोल को विक्सर से अच्छे से फेंटना है और तेजी से फेंटना है ताकि इसमें एयर बबल हवा क्रिएट हो जाए। फ्रेंड, चूंकि मैं सोडा नहीं यूज करता हूँ, क्योंकि सोडा यूज करने से तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, तो मैं उसमें सोडा नहीं यूज करता हूँ। अगर आप विस्कर से तेजी से घोल को फेटेंगे तो एयर बबल फेट होगा, पकौड़ी का जो क्रिस्पी होता है वो बढ़ जाता है। इसमें मैंने 1/2 छोटे चम्मच से 1/2 टीस्पून लेमन जूस लिया है। फ्रेंड, ये एक्चुअली मैंने स्वाद बढ़ाने के लिए लिया है, ये सिर्फ आपका हेल्थ अच्छा रहे इसके लिए लिया है। मतलब ये नींबू का रस डालने से क्या होता है, पकौड़ी जब हम छानते हैं जो तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तेल ज़्यादा सोखता है, वो नहीं सोखता है और आपका पकौड़ा ज़्यादा तेली नहीं होता है। अब इसको फिर से विस्कर से अच्छे से फेंटते हैं। बेसन जितना आप अच्छे से फेंटेंगे, घोल को जितना अच्छे से फेंटेंगे, उतना ही आपका पकौड़ा अच्छा बनेगा। तो फेंटने में कंजूसी मत करिए, तेजी से फेंटिए। घोल एकदम पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, घोल की थिकनेस इसके जैसी होनी चाहिए। हमारा घोल रेडी हो गया है, तेल गरम कर लेंगे पकौड़ी छानने के लिए। तो एक कढ़ाई लेते हैं, गैस बंद ऑन कर दिए हाई फ्लेम पर, तेल ले लेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। अभी घोल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो मैंने लौकी गोल गोल पीसेस में काटे हुए थे वो इसको इसमें डिप कर देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है। दोस्तों, मैं अभी फ्लेम को लो करता हूँ, ये आपके सेफ्टी के लिए। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, जब भी तेल में कोई चीज़ डालते समय फ्लेम लो ही कर देने का, ताकि वो तेल के छींटे आपके ऊपर ना आए। लौकी को अच्छे से बेसन के घोल में दोनों तरफ लपेट कर डालें। अब फ्लेम हाई कर देंगे, क्योंकि हमें पकौड़े हाई फ्लेम पर ही तलने हैं।
तो देखिए कितनी फुली फुली हुई हमारी लौकी के पकौड़े बन रहे हैं, वो भी बिना सोडा के। सबसे खास बात ये है कि इसमें सोडा हमने यूज नहीं किया है, तो ये कम तेल में बना हुआ पकौड़ा है। पकौड़ों को लाइट ब्राउन होने तक तलेंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से फुला हुआ है। जनरली ये बिना सोडा के पॉसिबल नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबल है। क्यों? जो फेटने का तरीका था वो इम्पोर्टेंट था। लगभग गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, लाइट गोल्डन ब्राउन, अब उनको निकाल लेंगे। लो जी तैयार है लौकी के पकौड़े। मैंने इसको सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहो तो अपने मनपसंद की कोई भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन दही की चटनी के साथ है। अगर आपको दही की चटनी का रेसिपी देखना है तो नीचे मेरे चैनल में कमेंट करें, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दही की चटनी बताऊँगा। पकौड़ा बनाते समय मैंने कुछ ट्रिक्स है जो आपने शायद ध्यान ना दें तो आपका खराब हो जाएगा। पहला ट्रिक मैं आपको बताया कि जब भी लौकी को जब बेसन में लपेट के तेल में डालते हैं उसमें फ्लेम लो रखने का क्यों? उसके पीछे रीजन है कि तेल के छींटे आपके ऊपर ना आए। लेकिन जैसे ही आपने डाल दिया बेसन से लपेटा हुआ लौकी उसमें डाल दिया तेल में, तो तुरंत फिर आपको हाई फ्लेम कर देने का है। लौकी का पकौड़ा हमेशा हाई फ्लेम पर ही बनता है। अगर आपने लो फ्लेम रखा, कम आँच रखा, धीमी आँच रखा, तो वो क्रिस्पी नहीं होगा, वो गीला गीला जैसा होगा। तो ये ध्यान दीजिए। पहला, दूसरी बात, गैस में दो बर्नर होते हैं, गैस चूल्हे में दो बर्नर होते हैं, एक बड़ा एक छोटा। तो मैं जो बनाया हूँ वो छोटे वाले बर्नर बनाया हूँ, और छोटे वाले बर्नर पर हाई आँच पे रखा है। तो गलती से आप बड़े वाले बर्नर पर हाई आँच पे मत बना दीजिएगा, तो आपके पकौड़े जल जाएंगे। तो बर्नर कौन सा यूज किया है? मैंने छोटा वाला बर्नर यूज किया है, छोटे वाले बर्नर पे हाई फ्लेम पर रखा है। तीसरा ट्रिक, मैं बेसन को हाथ से नहीं घोला हूँ, मैंने बेसन को घोलते समय विस्कर यूज किया है। विस्कर से क्या होता है, जब हम फेटते हैं तो उसमें एयर मतलब हवा भर जाती है, उसके कारण वह पकौड़े फूले फूले होते हैं। पर विस्कर नहीं तो चम्मच यूज करें, लेकिन कब हाथ से मत फेटिएगा। कभी हाथ से आपका उतना एयर हवा नहीं भरेगा, इसलिए कभी अगर आपके पास विस्कर नहीं है तो चम्मच यूज करिए, चम्मच से फेटिए। ट्रिक नंबर चार, इसमें मैंने आधा चम्मच नींबू का रस लिया था। नींबू का रस इसलिए लेते हैं ताकि जो तेल सोखता है पकौड़े तलते समय, और आप छूते हो जब पकौड़े खाते समय हाथ में भी तेल लगता है ना, लेकिन नींबू का रस डालने पर आपका तेल नहीं सोखता है और इससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहता है। क्योंकि नंबर फाइव, दोस्त मैंने देखा कि बहुत कम नमक यूज किया था। कम नमक यूज करने के पीछे रीजन ये कि पकौड़े हम कभी ऐसे नहीं खाते हैं, आइदर चाय के साथ लेते हैं या चटनी के साथ लेते हैं, तो चटनी में ऑलरेडी नमक होता ही है। तो उसी हिसाब से नमक आपका जो स्वाद अनुसार है दोनों को बैलेंस करके ही खाइए, क्योंकि आपको ये सोचना है कि आपको चटनी भी खानी ही है साथ में। तो ये ध्यान जरूर दीजिएगा कि आपको कितना नमक डालना है ताकि चटनी की खाते समय आपको ज़्यादा नमक फील ना हो। फ्रेंड्स, लास्ट थिंग, अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको जो आने वाली मेरी वीडियो है उसके आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके फ्रेंड, बाय बाय, सी यू अगेन।